उत्तराखंड में आने वाले 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से रायपुर न्याय पंचायत से शुरू होगा और पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक होगा। खेल महाकुंभ की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे। इस अवसर पर राज्य के कई बेहतरीन खिलाड़ी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2 अक्टूबर से हम लोग खेल महाकुंभ को शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है हमारी ये कोशिश है कि गवर्नर साहब जो है इसको बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर इसको प्रारंभ करें। उनको निमंत्रण भी मैं आज देने जा रही हूँ और न्याय पंचायत जो है वो रायपुर रहेगा। तो यहाँ से हमारी कोशिश है कि जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है कि न्याय पंचायत स्तर में कौन से तिथि से लेकर कौन से तिथि तक रहेगा, ब्लॉक स्तर पर कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक रहेगा और इसी प्रकार से जनपद स्तर पर, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर, लगभग हम राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएँ करते करते आएंगे वह 5 दिसंबर तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये कोशिश है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बच्चा है, जिसको कि हमने 8 मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना के तहत 8 वर्ष के बच्चे को इसमें लिया था, तो ये कोशिश है कि उस 8 वर्ष के बच्चे को वहाँ से पिक करना और साथ साथ में अन्य बच्चे जो हैं वह भी इस खेल महाकुंभ जो न्याय पंचायत स्तर पर हो रही है उसमें वो प्रतिभाग कर सकें और प्रतिभाग करते करते ब्लॉक से, जनपद से और स्टेट तक का अपना अनुभव लें। तो ये अवसर है युवा कल्याण विभाग के द्वारा कि जिसमें खेल विभाग अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है कि हमारे बच्चे जो बालक हो अथवा बालिकाएं हो उनको समान अवसर खेल का मिल सके, एक खेल का वातावरण तैयार कर सके। जिस प्रकार से खेल छात्रवृत्ति हम लोगों ने जारी करी थी, ठीक उसी प्रकार से अब हमारी कोशिश है कि अवसर भी उनको लगातार मिलते रहे। तो खेल महाकुंभ उसी का एक परिचायक है और मैं मानती हूँ कि इसमें लगभग 2.5 लाख हमारे बालक बालिकाएँ इसमें प्रतिभाग करते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क इसमें पंजीकरण है, कोई भी शिक्षण संस्थानों से उसको प्राप्त किया जा सकता है, युवा कल्याण के हमारे जो भी कार्यालय हैं वहाँ से भी यह प्राप्त किया जा सकता है। इसका जियो भी जारी कर दिया गया है कि यह 19 तारीख का इसका जियो जारी हो गया है। तो यह लगातार जो है फॉर्म भरने का जो है प्रक्रिया गतिमान कर दी गई है। मैं मानती हूँ कि इससे हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है आने वाले समय में जो आज स्टेट लेवल तक में तैयार हो रहे हैं, कल को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे जाएंगे। तो ये कोशिश है युवा कल्याण विभाग की और कोशिश है खेल विभाग की कि हमारे बालक और बालिकाएं जो उत्तराखंड के हैं, जो शिक्षारत हैं अथवा जो बिल्कुल गाँव में हैं, जिनके पास में शायद कोई एकेडमी नहीं, जिनके पास में कोई कोच नहीं, वो इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में आते हुए विभाग के नज़र में भी आना और साथ साथ में उनकी प्रतिभाओं को हम लोग चिन्हित करना और उनको आने वाले समय में विभिन्न उसमें अवसर प्रदान करना, यह भी इसके माध्यम से संभव हो पाएगा। तो ये कोशिश है जिसका हमने पूरी तरीके से जो है खेल महाकुंभ के रूप में हमने स्थापित किया है और हमारी एक कोशिश और है कि जब इसका ये स्टेट स्तर पर आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो खेल मंत्रालय देख रहे हैं उनको इसमें आमंत्रित करने का। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य राज्य में खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। साथ ही उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा सके, इसके लिए खेल महाकुंभ एक शुरुआत है जिसके लिए खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग एक बेहतर कोशिश कर रहा है।